स्पेशल डिश बनाना। नहीं यार पैसे गए भाई। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को हिम्मत नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पिछले 3-4 वीडियो से बोल रहा था ना कि हम जाएंगे मुर्मंस। क्या हुआ शुभम उसका? वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि लंबी स्टोरी है वो। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया रशिया का वीज़ा और ससुराल के वीज़े भी रिजेक्ट हो जाते। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया इतनी बार, यहाँ पे 6 बार आ चुका था। लेकिन एम्बेसी की कोई गलती नहीं थी, जहाँ से मैंने इन्विटेशन लेटर लिया था वही फ्रॉड कंपनी थी। तो वापस से मैंने अगले दिन अप्लाई किया और मुझे वापस से मिल गया वीज़ा। कि यहाँ पे हमारा एक एटीएम है जो पीके में बोलता है ना, प्रत्येक चौड़ाई पे एटीएम मिल जाती है। एटीएम है। सिक्का दो। फंसे हुए भाई, फंसे हुए। सिक्का लगाओ। ये हम लोग यहाँ से भाई 50 रुपये का ये वो है जहाँ से आपको टॉयलेट जाना होता है, बट एक्चुअली पैसे यहाँ पे घुस के निकलते ही नहीं और काफ़ी लोग इस तरह स्ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी इनका ये चश्मा है, स्पेशल चश्मा। नहीं यार पैसे गए भाई। अंदर कंप्यूटर लगा रखा है लेकिन सिस्टम वो पुराने वाला है, सोवियत टाइम का। नहीं हो रहा, चलो आज एक दिन हमने कितने 20 रुपये 10 रुपये डाले थे और 50 रुपये निकाल लिए थे इससे। पहले सोचे क्या पच्चीस अपना निकालते हैं और निकलने लगा। 5 निकल गए और इधर चश्मे में निशान भी हो गए। वैसे अब हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड का नया वर्जन, क्या नाम है, तुचका एंड क्या है, स्वादिष्ट समथिंग है। चलो जाकर, इट्स गुड एंड दैट्स इट। ऐसा ही नाम है। चलो जाके देखते हैं क्या यहाँ पे। ये तो सामने आप देख रहे हैं पहले मैकडोनल्ड होता था, जो अभी शुभम बात कर रहा था ना, इसका नाम चेंज करके 170 आउटलेट थे शायद, जिनमें से 145 स्टार्ट हो गए वापस से। हाँ, नाम चेंज कर दिया, बट ठीक है। इन्होंने नया नाम का होल्डिंग नहीं लगाया, मेरे को लगता है अभी भी इनको उम्मीद है कि सैंक्शन हटने के बाद वो मैकडोनल्ड आएगा वापस। कि बहुत जगह पर लोग वेट कर रहे हैं और एक हिसाब से इनका सॉफ्टवेयर तो नया है, इसके अंदर भी वीज़ा JCB सब दिखा रहा है लेकिन वो चीज़ें कोई भी काम नहीं करती अभी। जब मैं रशिया आ रहा था आपको याद होगा, एयरक्राफ्ट में मुझे कोई छोड़ने आया था, याद आई शक्ल थोड़ी बहुत, ये तरन पाजी है उस वक्त, ये हमारे बड़ा लोंडा राजन, शुभम का छोटा भाई, लेकिन शुभम से बड़ा लगता है ये। बुकोश नहीं है, तोच का। ये मैकडोनल्ड का नया नाम है, बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें वही पुरानी मिलेंगी। तो क्या था कि पहले मैकडोनल्ड होता था, हर जगह से एम हटा दिया है। मैं एक दिन पाजी को चैलेंज दे रहा था कि आप मुझे एम ढूंढ के दिखा दो, मैं आपको $500 दूंगा, बट हो नहीं पाया। बहुत कोशिश की, एम नहीं मिला, तो फिर सोचा कि खुद ही एक एम ला के चिपका देते हैं। कम से कम $500 का सवाल है। अभी शुभम ऑर्डर करने गए, यहाँ पे लगभग हम शोरमा का कॉम्बो लेंगे, उसके बाद शुभम को एक काम जाना है और हम चले जाएंगे गोरके पार्क की तरफ और बाद में फिर शुभम हमें वहाँ ज्वाइन करेगा। रेट वेट वही है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम से है, मुझे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा। पाजी बोल रहे थे कि उनको थोड़ा सा टेस्ट अलग लग रहा है। लेकिन आपने रशिया में पहले खाया था क्या मैकडी? नहीं, मैकडी का लगभग हर जगह टेस्ट डिफरेंट है, इवन UAE में और इंडिया में सब जगह टेस्ट डिफरेंट है। ऑर्डर करने के लिए सब कुछ सेम है लेकिन थोड़ा सॉफ्टवेयर बदल गया है, लोगों की ड्रेस भी वही है, कुछ चेंज नहीं किया, बस स्टिकर चेंज कर दिए मैकडी के। सब एमट गए। शिवम को बोला आइसक्रीम ऑर्डर करके ना, कैरेमल करके आया। देखो यार, ये फ्राइज हमारी और ये शोरमा और स्प्राइट, 4 बंदों का बिल है कितना था शिवम? 1300 1316। भाई ये था यार का मैकडोनल्ड। शिवम अपने काम से निकल गया है और अब हम तीनों सड़े। पहले तो कैश एक्सचेंज कराना है, 2-3 बार करवाए थे हमने लेकिन उस टाइम रेट अलग अलग थे। पहली बार कराए उस टाइम 64 मिला, दूसरी बार 61, आज बताओ भाजी 100 पक्का? 100 150 पूरी इकोनॉमी नाम करवा दो तुम दोनों के। 60 से ऊपर मिल जाए तो ठीक है यार, लेकिन पंगा यहाँ पे क्या है कि जैसे शुभम पहले बता रहा था कि आप बाहर ओपन मार्केट से लोगे ना तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे, बैंक बहुत गंदे रेट दे रहा है यहाँ पे। जैसे सबेर बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, उसका रेट चेक किया तो वो 57 दे रहा है $1 के, बाहर आपको 61, 62, 64, वो फिर डेली रेट के हिसाब से। ये मिल गया एक्सचेंज हमें, उधर था मैकडी, रोड क्रॉस करके सामने चले। ये 24 घंटे खुला भी रहता है, हमें आज रेट मिल रहे हैं $1 के 61.5 रूबल। ये खरीदते हैं 63.5 में और बेचते हैं 61.5 में। $200 के मिले कितने? 12,300। सिक्के भी नहीं दिया, एग्जैक्ट इतना ही आ रहा था, एग्जैक्ट इतना ही आ रहा था वो। ये भी गिन के ही रखते हैं क्या लोग, इतने ही नोट लेके आएंगे 100-200 टाइप में। जो मेरे पास पास था उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, 3 दिन का पास मिलता है आपको 500 रूबल में
और अब मैं नॉर्मल टिकट ले रहा हूँ। नॉर्मल टिकट का प्राइस है 61 रूबल। ये है यहाँ के नॉर्मल टिकट। चले और अगर आपके पास कार्ड है, कार्ड के अंदर आप टॉप अप करके ट्रैवल करोगे तो उसमें लगभग 10-15% का डिस्काउंट भी मिलता है। अभी राजन ने अपने कार्ड से पेमेंट की तो उसके कटे 46 और मैंने टिकट ली है 61 की। अब यहाँ से हमें 3 स्टेशन पकड़ के जाना है, उसके बाद एक और मेट्रो चेंज कर लिया है और फिर वहाँ से पैदल चल के हम उस पार्क के अंदर पहुँचेंगे। स्काई पार्क में स्काई पार्क, हाँ, इस स्टेशन के ऊपर उतरना है और अब यहाँ से हमें लाइन चेंज करनी है। अभी हम थे पर्पल लाइन में, यहाँ से रेड लाइन, हर लाइन की यहाँ पे नंबरिंग है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा मेट्रो स्टेशन नहीं देखा है जो दूसरे मेट्रो स्टेशन के साथ एक जैसा दिखता हो। हर मेट्रो स्टेशन अलग अलग है यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि ये बंदे को अगर सोया छोड़ दें तो हमारे 2001 जिप लाइन के बच्चे जाएंगे। मेरे को आ रही है नींद और पाजी मेरे को छोड़ के जाने का प्लान बना रहे थे, तो पाजी का चैनल को सब्सक्राइब मत करना आप। ये स्टेशन है मॉस्को रिवर के ऊपर, वो बॉय गोरी। अब यहाँ पे एग्जिट करते नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, सीधा निकल जाओ। बाहर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैं भी इस कारण से केबल कार बंद कर दिया हूँ। मैं भी कोई दिख नहीं रहा मेरे को वहाँ पे केबल कार में। यहाँ पे केबल कार भी है नदी के ऊपर और वो जिप लाइन भी है। इंजीनियरिंग का प्राइम एग्जांपल तो यहाँ देखिए आप, ऊपर जा रहा है रोड, नीचे जा रही है मेट्रो और बीच में चल रही है जनता। वो बेचारी खाना दे रही, खाना छोड़ के आ गई। ये डर तो नहीं गई इतने लोग देख के? आजा आजा आजा। शुभम भी आ गया, शुभम काम वाम खत्म करके। तो पंगा क्या हुआ कि हम आए थे मेट्रो से और मेट्रो से इस पार्क के ऊपर आने में आपको थोड़ी चढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है। तो हम ऊपर पहुँच गए, फिर हमें लगा शुभम टैक्सी लेके आएगा, लेकिन गलती है शुभम भी। बताना चाहिए था मेरे को। भाई गंदी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। हम एक बार ऐसे ही अंदर घुस तो गए, देखते हैं टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे हाँ, जिप लाइन 2500 रूबल। एंड दिस केबल कार, केबल कार स्कूल का 1 मिनट। केबल कार तो अगर आप मंडे को लोगे तो 150 में आपकी रिटर्न ट्रिप हो जाएगी, और अगर छुट्टियों के दिन लोगे यानी सैटरडे संडे को तो 600 रूबल। मंडे को 150 रूबल और सैटरडे संडे को 600 रूबल। और मंडे के दिन भी भाई दबा के भीड़ लगी हुई है। सिंगल वे अगर आप जाओगे तो वो है 100 रूबल और अगर वापस भी आना चाह रहे हो तो 150 रूबल। ये आ गई हमारी चार्ट टिकट। कितने की है? 150 की है। अगर मीट कार्ड दोगे तो 20 रुपये का, 30 रुपये का डिस्काउंट है एक टिकट, 120 रुपये का होगा। मीट कार्ड बोले तो यहाँ का लोकल, जैसे अपना रुपये है। हाँ, जैसे हम अपने रुपये हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे सिर्फ कार्ड ही ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कार्ड ले रहे थे, इसके कारण किसी से पूछना पड़ा कि भाई कार्ड अपना टैप कर दो, हम तुमको दे देते हैं। ना निकलेगा। तो यहाँ पे जिप लाइन भी है, यहाँ पे केबल कार भी है और शायद सर्दियों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्लोप भी बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे स्कीइंग कर सकें। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ अपने इंडिया वाला सिस्टम ही है, लाइन वाइन वाला कोई ऐसे सीरियसली नहीं ले रहा था। पर कई लोग थे यार, वो भाई लाइन बाहर तक लगी हुई है। इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे एंट्री होगी। जसवर चलो चलो, आ जाओ, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। तू ऊपर से लेके आएगा? हमने गधे वाला काम किया, हम पहले ऊपर चढ़ के गए फिर अब वो ले रहे। इधर जो साइड में आप देख रहे हो ना पीछे, यहाँ पे बन रहे स्कीइंग के लिए। अभी तक हम सिर्फ ऊपर से इस पार्क के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन अब ये केबल कार क्रॉस कराएंगे हमें मॉस्को रिवर को। इधर साइड में जिपलाइन वाला भी है, जिपलाइन यहाँ पे आके एंड होगी और यहीं पे हमारी केबल कार एंड हो रही है। चलो लोग है ही नहीं, जो थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था ना, ये 1 फोटो फ्री। हमें लगा छोटे वाली वो बड़े वाली फोटो देंगे, बड़ी वाली फोटो के 300 रूबल और इतनी सी फोटो ही मिल रही है वो। उस उतनी सी फोटो के फ्री। शुभम बोलता कि मैं टिकट बेच के आऊंगा, फिर हम फ्री में दे रहे थे ना, वो फ्री में लेने से मना कर दिया उन्होंने। तो क्या लग रहा है तेरे को, तू बेच देता टिकट? पता नहीं, शायद हो सकता था, मैं भी जाता भाई, टाइम बहुत लग जाता। शुभम बोलता मैं ना 400 रूबल लेके आऊंगा,
और जनता फ्री में टिकट नहीं ले रही हमसे। राजन जा रहा है, देखो जा पाता है या नहीं। अरे फोन कर लिया ना। हाँ कर दिया ऑन। अरे राजन नहीं हो पाया, चलो दीपांशु भाई ट्राई करो। यस माला दियस आजा बीच में से मत। अच्छा 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 कर दिया तुझे। आज वो छोड़ेगा नहीं अब तो भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं अब तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो हमारे बिहारी लोंडा एकदम दिल पे ले लिए हैं। अरे आहा कौन जिला हो बे। चल राजा तू यहाँ पे है ना, ये काइंड ऑफ ओपन जिम है। इधर टायर वायर इसको तो उठा शुभम, इसको उठा दे तू। एक जना उठा, आप उठाओ पक्का। हाँ बोलो उठाओ उठाओ आज। करो यहाँ पे दो नंगे भाई साहब भी बैठे हुए हैं। क्या सही कर रहा है? दवाई 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 कहीं निकल मत जाना। अभी हम ऐसे घूम रहे थे तो हमें एक एक्टिविटी पार्क दिखा। तो यहाँ पे जनता क्या करती है ऐसे, ये इसको बोलते हैं पेंडा पार्क। तो जैसे पेंडा ऊपर नीचे करता रहता है ना उनके पेड़ों के ऊपर और रस्सियों वस्सी के ऊपर, ऊपर से गिर जाएगा उठ जाएगा, वैसे सही सेम सीन यहाँ पे बना हुआ है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। इन तारों के ऊपर आपको बांध देंगे और इन तारों के ऊपर आपको चलना है। अगर गिर भी जाओगे तो आप नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि जो आपकी बॉडी से वो वायर होगी वो मेन वायर से कनेक्टेड होगी, तो गिरोगे तो उसके ऊपर लटक जाओगे। मजे आने वाले हैं। मैं शुभम भी पूछने गया हुआ कि चार बंदों के कितने पैसे लगेंगे। जो हमारी एक्टिविटी थी वो फाइनल हो गई। अब शुभम अंदर टिकट लेने गया हुआ है। पहले पाजी मना कर रहे थे लेकिन फिर भी बाद में पाजी, क्या हो गया पाजी, एकदम मोटिवेशन मिल गई ना, कहते मोटिवेशन करना पड़ेगा करो या मरो सिचुएशन आ गई थी। ये जो अभी इंस्ट्रक्टर है ये यहाँ पे इस वायर के ऊपर ऊपर बांध के जाना है और फिर ये पूरा ये प्रोटोकॉल ऊपर ही ऊपर जाने के बाद पूरा ये प्रोटोकॉल वो करना है, फॉलो करना है। एंड नो इंश्योरेंस इफ आई नो आदिन 2 मिलियन रूबल नियत आदिन मिलियन और 2 मिलियन नथिंग। इस बंदे ने पहले कर रखा है तो ये थोड़ा ज्यादा गवर्नमेंट में आ रखा है। राजन तैयार हो गया, अब शुभम शुभम के बाद पाजी और एंड में सबसे मैं, और फिर हम हमारी जर्नी ऊपर की स्टार्ट करेंगे। भाई हमारे साथ जाएगा तो हम तो कैमरा नहीं पकड़ पाएंगे, अगर कैमरा पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ऊपर लेनी देनी तो होनी है, तो भाई को कैमरा दे देंगे। दीपांशु भाई तैयार हो रहे हैं एकदम। पाजी पेट हाईलाइट करेगा अभी, पेट नहीं मारो। गुड गुड भाई लगी पड़ी है, मजे भी आ रहे हैं, स्टार्टिंग में फटी थी क्या चल रहा है। सबसे इजी ये वाला है भाई, सबसे इजी। भाई मैं बस अभी जस्ट नीचे इसको कंप्लीट करके आया। भाई राजन इधर फंसा हुआ है और राजन के चक्कर में छोटा बच्चा भी वेट कर रहा है, ये पक्का राजन को गालियां दे रहा होगा। अब देखना ये वाला कैसे करोगे बिना वायर पकड़े, बताओ। मैं ये पकड़ूंगा ना। अरे इसको पकड़ने से तो आसानी होती है, आप तो चालाक निकले। अरे ऐसे ही बचपन से पूरी मैट्रिक्स ही बनी हुई है, हाथों की जान लग जाती है। इधर अभी भी पेन होने लग गई, लग रहा है कि एक दो दिन और करूंगा ना तो बॉडी बन जाएगी। अगर आप फंस जाते हो तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हेल्पर हैं, आपकी हेल्प कर। राजन को यहाँ से निकालने के बाद फिर अगला टास्क और नेक्स्ट लेवल है, तो अब देखते हैं वहाँ से राजन कैसे निकलेगा। हो गया दो बंदे तड़ी पार, ये तीसरा आ रहा है। राजन शायद कल सुबह तक कर लेगा। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? काफी अच्छा था। भाजी आप बताओ। पहले लग रहा था बच्चों वाला, लेकिन बच्चों वाला तो बिल्कुल नहीं था। नहीं था ना बिल्कुल भी। प्रैक्टिस हो तो ठीक है, बच्चों जैसा प्रैक्टिस ना हो तो, बट ओवरऑल अच्छा था। हमारा बच्चा तो पीछे आ रहा है। एक्सरसाइज हो गया। थैंक यू। गुड बाय। स्पेशल अब्रास।
तो जो अभी हमने हमारी फिजिकल एक्टिविटी की उसको ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं एक सोवियत बंकर टाइप रेस्टोरेंट में। तो बाकी आप जो पीछे देख रहे हो राजन के, ये है ओलंपिक स्टेडियम। यहाँ पे ओलंपिक नहीं, सॉरी, फुटबॉल का स्टेडियम। यहाँ पे फीफा का फाइनल हुआ था और फीफा के बाकी मैच भी हुए थे। शुभम अभी टैक्सी बुक कर रहे हैं और उसके बाद डायरेक्टली आपसे वहीं पर मिलते हैं। ये भाई बिन बादल बरसात हो रही है, सूरज दिख रहा है, हमें लग रही है ठंड जोर वाली, कुछ ज़्यादा ही आ गई है शुभम सच में। तो जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बारिश हो रही हो। हम सोच रहे थे मेट्रो से चले जाएंगे, थोड़े कम पैसे लगेंगे, भीगते ही जाते। और एक चीज़ और अच्छी हो गई, पाजी बता रहे हैं अगर वो इंस्ट्रक्टर आके इसको निकालती नहीं ना राजन को, राजन अभी बारिश में भीग रहा होता। राजन ना घर का ना घाट का। सामने आप रेनबो देखिए, दो दो रेनबो है शुभम, ढंग से देख। हाँ एक ऊपर भी है। हेलो। हाँ भाई सच्ची बताऊँ, इतना बड़ा रेनबो, इतना प्यारा रेनबो कभी नहीं देखा है। पूरा रेनबो ये इंडिया में जो मैंने देखे थे वो आधे आधे ही बनते हैं, वो आधा गायब भी हो जाता है कहीं पे। ये पूरा और दो है भाई, एक के पीछे एक। शुभम जगह तो दमदार लेके आए। तो सामने आप देख सकते हो बंकर 42 रेस्तरां, पूरा सोवियत वाला माहौल है। बाहर ये तारा सा लगा हुआ है। ओपन ओपन। ऊपर स्टालिन की फोटो लगी और चाहिए आगे तो शेफ वेफ उन सब की। ये भाई ये लिफ्ट भी उसी टाइम के अंदर, लिफ्ट के अंदर ये फोन लगा रखा है, टेलीफोन। कुछ ज्यादा ही नीचे जा रही है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है ना शुभम। दो मिनट जली रही है, जेल है ना, जेल नीचे ही होगा। पाजी बंद कर लो, नहीं मारेंगे अपने को। हैं भी रशियन फोन छीन लेंगे अपने। अंदर से लग रहा था जेल के अंदर बंकर में जा ही नहीं, ये पाताल में जाएगी आज लग रहा है। तो बुर्ज खलीफा के अंदर चली गई, इतना बुर्ज खलीफा लग जाती है, जा ही रहा यार। ये फोन किया था रेस्टोरेंट में अपने। हाँ फोन किया था रेस्टोरेंट में। कितना डीप हम लोग आ जाइए बताओ, नेटवर्क है या नहीं है? नेटवर्क कहाँ होगा यार शिव में, यहाँ पे नेटवर्क 4G आ रहा है। रेस्टोरेंट में आ गए अरे केले भेज रहे हैं केले। सीधा बंकर रेशन के बाद इधर ही आया है सीधा है पाजी, कि बंदे को निकालो बहुत हो गया अब। क्या बैटरी डाउन हो गई थी, हम बंकर रेशन से निकले के लिए खाने के बाद, फिर बैटरी डाउन एकदम, और फिर पाजी के फ्लाइट भी थी तो बहुत सारे प्लान बने थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी अगर सारी चीज सही होती तो अभी हम मुरमंग से आ रहे होते। सही बात है, तो मुरमंग से आ रहे होते, बिल्कुल दिन दिन देख के आ रहे होते, अभी आप देखे जा रहे हैं। चलो ओके पाजी, ठीक है ओके जी, बाय 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 बाय, मिलते हैं शॉर्टली।